भारतीय महिला टीम ने रविवार को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत में पहली बार मेंस और वीमेंस इस चैंपियनशिप में गोल्ड आया है। मलेशिया में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में इंडियन वीमेंस टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हरा दिया। 2016 से खेली जा रही चैंपियनशिप का यह 5वां एडिशन था। इंडियन वीमेंस टीम चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेडल जीती है। वहीं मेंस टीम इससे पहले 2016 और 2020 में कांस्य पदक जीत चुकी है। पहले मुकाबले में पीवी सिंधु ने सुपानिडा काटे थोंग को 21-12 से सीधे सेटों में पराजित करके भारत का स्कोर 1-0 कर दिया। दूसरे मैच में त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जोंग कोल्फान और राविंडा को 21-16, 18-21, 21-16 से जीत दर्ज कर दो स्कोर भारत का 2-0 हो गया। तीसरे मैच में अस्मिता चालिया को बुसानन ने पराजित कर स्कोर 2-1 हो गया। चौथे मैच में प्रिया और श्रुति की जोड़ी को विन्यापा एमसार्ड और नुनता कर्ण ने 11-21, 9-21 से पराजित कर दिया, स्कोर 2-2 से बराबर हो। पांचवें मैच में 17 साल की अनमोल खरब ने चोई की वोंग को 21-14, 21-9 से पराजित करके भारत को 3-2 से विजयी खिताब जिला दिया। सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 3-2 से हराया था, जबकि क्वार्टर फाइनल मैच में हांगकांग को 3-0 से पराजित किया था।